हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टेक थिएटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ नए थीम्स के बारे में। MIUI अगर आप यूज़ करते हो, रेडमी का मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप ये थीम्स ज़रूर अप्लाई करना मोबाइल में और देखना कि आपका जो है मोबाइल चलाने का कुछ एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। आपको ये थीम लगाने के बाद जो है आपको मोबाइल कुछ अपना नया नया लगाने लगता है। ये थीम आप ज़रूर से यूज करें। तो चलिए, आज हम आपको टॉप 3 थीम्स ऐसे बताने वाले हैं जिसको लगाने के बाद जो है आपका मोबाइल बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा। तो चलिए, पहला थीम की बात कर ले रहे हैं जो मैंने अभी यूज कर रखा है। देखिए, इसमें आपको कंट्रोल सेंटर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है सारा चीज़ ऐसा मिलेगा आपको। क्या क्या इसमें नया चीज़ मिलेगा वो आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, आपको लॉक स्क्रीन ऐसा मिलेगा, फर्स्ट में देख रहे हो आप, लॉक स्क्रीन आपको इस तरह से मिलेगा। और आइकॉन इसमें कुछ अच्छे अच्छे आइकॉन्स मिल रहे हैं इस तरह से। तो इसको लगा के आप ट्राई कर लो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है सर्च करने के लिए, आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सपीरियंस UI 12 का ऑप्शन ऊपर में नाम लिखा हुआ है, 6.9 MB का है ये फ़ोन। आप फ्री का थीम है, आप इसको डाउनलोड कर लो। और कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, तो थीम ऐप खोलना है आपके मोबाइल में, थीम ऐप होगा एक, थीम ऐप खोल के एक्सपीरियंस UI सर्च करना है। वो आ जाने के बाद उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद जो है आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, आपको आपका मोबाइल पूरा बदला बदला लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा पहला थीम, आपको अब दूसरे थीम के बारे में बता दे रहे हैं। तो चलिए, दूसरा थीम आपको अप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। तो दूसरा थीम जो है वो है, ये देख रहे हैं आप, गोल्डन पैटर्न 3 MDs। देखिए, इसमें आपको कुछ ऐसा ऐसा सारा चीज़ मिलेगा। इसमें जो कंट्रोल सेंटर मेन जो है बहुत ही अच्छा लगता है। ये कंट्रोल सेंटर का ये कलर आपको चेंज हो जाएगा, एसेंट कलर ये चेंज हो जाएगा। आपका डायल पैड का ऐसे कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका बैकग्राउंड, मैसेज का बैकग्राउंड या फिर ये सब भी ब्लैक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। चलिए, इसको अप्लाई करके देख ले रहे हैं कैसा लग रहा है। तो देखिए, अप्लाई हो चुका है। आप देखिए, इसको मिनिमाइज करके देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो देखिए, ये बहुत ही मस्त लग रहा है फ्रेंड। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आप थीम ऐप स्टोर में जाके ये सर्च मारना। देखो, कंट्रोल सेंटर तो और भी जक्कास हो गया है, इसका कलर जो येलो येलो हो गया, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले से कुछ अच्छा नया देखने को मिल रहा है, ये अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आपको जो है कोई भी थीम पसंद आ रहा हो तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर ले। देखिए, इसमें जो है कॉन्टैक्ट का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, जबकि डार्क मोड ऑन नहीं है, फिर भी बैकग्राउंड डार्क हो गया, वो अच्छा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अब तीसरा थीम बता रहे हैं। तीसरा थीम है, अगर आप सैमसंग का आपको UI पसंद है तो सैमसंग के जैसा आपको फॉन्ट मिल जाएगा सारा चीज़। इसका फॉन्ट ही बहुत अच्छा है। तो चलिए, ये ऊपर में नाम देख रहे हो आप, सैमसंग UI 3.0 इसका थीम का नाम है। ये तीसरा थीम है हमारा आज का, तो इसको अप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए, चलिए, थीम अप्लाइड हो चुका है। अब बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कैसा थीम अप्लाई हुआ है, कैसा लग रहा है अभी। तो देखिए, ये इसका थीम जो है, इसका थीम का फॉन्ट का जो है बहुत ही मस्त है। इसका थीम का फॉन्ट वो आपको देखने में अच्छा लगेगा। देखिए, कंट्रोल सेंटर भी थोड़ा चेंज हुआ है, इसका आइकॉन कुछ बदल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देख रहे हैं कॉन्टैक्ट में आपको बैकग्राउंड वैसे ही मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये थीम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ये तीनों थीम्स कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताना। और ऐसे वीडियो आपको फ्रेंड्स हर रोज़ आपको नए नए वीडियोस थीम के रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको कोई भी नया थीम चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताना किस टाइप का थीम चाहिए आपको, तो वो मैं आपको ज़रूर वीडियो डाल दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो फ्रेंड्स